सब दोस्तों, मेरा नाम गुरमीत और आप देख रहे हैं गुरमीत हरियाणा। अभी जो टाइम हो गया दोपहर का, 1 बज गया, वैसे लग नहीं रहा भाई 1 बजा, वैसे लग रहा है जैसे सुबह के 7 बजे, क्योंकि भाई कल रात से ही बारिश हो रही है। वैसे जो मेरा आज का प्लान था, आज का प्लान ये था कि मैं आप लोगों को यहाँ का गांव दिखाने वाला था। मैंने गांव ढूंढा भाई, छोटा सा गांव, वो आप लोगों को मैं दिखाने वाला था, पर जो आज का मौसम है भाई, बारिश आई है, उस हिसाब से आज हम लोग वहां पे नहीं जा पाएंगे। तो जिस दिन भी मौसम अच्छा होगा तो हम लोग वहां पे डेफिनेटली जाएंगे, मैं आप लोगों को वो गांव जरूर दिखाऊंगा भाई, बहुत ही अच्छा गांव है। और अभी का जो मेरा प्लान, अभी मैं जा रहा हूँ शॉपिंग करने के लिए। एक तो भाई जैकेट लेनी है और 2-3 छोटी मोटी चीजें और लेनी है। वैसे जैकेट मेरे पास ऑलरेडी 2-3 है, एक्चुअली एक जैकेट है, 2 स्वेट शर्ट है, उनका दोनों का कलर भाई एक जैसा ही है और वो इतनी मजबूत नहीं है, मतलब उनमें सर्दी लगती है। और जो बड़े वाली जैकेट है वो मेरे पास एक ही है और वो थोड़ी पुरानी भी है। अभी रोज रोज एक ही जैकेट को डालूंगा तो भाई अच्छा थोड़ा लगेगा ना। ये वो जैकेट जिसकी मैं बात कर रहा था, आज इसी को हम लोग डाल के चलेंगे। जाने से पहले हम भाई कुछ भूल रहे हैं, हमारा जो मछली है इनको भाई खाना खिलाना है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो आजा मर जाएगी। चलो छोड़ो यार, क्यों निकालना बाहर। ये रहा भाई इनका खाना, देखो ऊपर आ जाएंगी सारी खाने के लिए। इंडिया में तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई बारिश थोड़ी देर बाद रुक जाती है, पर यहाँ तो भाई पता ही नहीं कब शुरू होगी कब रुकेगी। पहले गाड़ी रोकी है पेट्रोल पंप पे, भाई भूख लगी है, सबसे पहले कुछ खा लेते हैं। और भाई पेट्रोल पंप पे यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, डोनट तो एक नंबर के लगे हुए हैं, पर मीठे से दूर रहना है भाई। सुबह भाई रोल भी चीज और जूस, एक्चुअली दोपहर हो चुकी है अब तो। वैसे भाई मैंने आजकल खाने पे पूरा कंट्रोल किया हुआ, और जो मेरा वेट है भाई 4 किलो तक कम हो गया। कल मैंने चेक किया था जिम में, मेरे को लगभग 2 महीने हुए हैं शुरू किए को जिम, और भाई मेरा 4 किलो तक वेट कम हो गया, जो कि एक अच्छी बात है। तो इसी बात पे देख रोल बनता है। चीयर्स। भाई फाइनली मैं आ चुका हूँ शॉपिंग सेंटर के बाहर, और ये रहा आपका शॉपिंग सेंटर। और भाई बारिश अभी भी आई हुई है थोड़ी थोड़ी सी, और मैंने अपनी जैकेट निकाल दी है भाई, क्योंकि अंदर अलग अलग जैकेट ट्राई करेंगे, उसको बार बार उठाई फिरना पड़ेगा भाई। ये देख लो ऐसा कुछ दिखता अंदर से शॉपिंग सेंटर, और इसमें भाई ऊपर जाने का रास्ता भी है, काफ़ी बड़ा शॉपिंग सेंटर है। यहाँ से आप लोगों को वैसे दिख नहीं रहा होगा, ये देखो उस साइड। और भाई ये मेरे पीछे फुहारा लगा हुआ है, यहाँ पे शॉपिंग सेंटर के अंदर ही लगा हुआ भाई। नॉर्मल लोग यहाँ पे आके भाई चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह अपना लंच वगैरह करते हैं। वैसे सही बताऊँ भाई, ऐसी जगहों पे मतलब ब्लॉगिंग करने के लिए हिम्मत चाहिए भाई, सही बता रहा हूँ आप लोगों में। अभी मैं ऐसे उठा के फ़ोन घूम रहा हूँ अपना, सारे लोग मेरी तरफ देखते हैं भाई, पर क्या करें भाई, चैनल ही ब्लॉगिंग का तो करनी पड़ेगी। ब्लॉगिंग करने के लिए भाई बिल्कुल ही बेशरम होना पड़ता है, बेशरम। अभी भाई मैं यहाँ पे आया हूँ डेबन सैम के स्टोर में, यहाँ पे चेक करते हैं कोई अच्छी सी जैकेट मिल जाए। तो लग तो भाई खाली खाली रहा, काफ़ी बड़ा ना, लोग इधर उधर घुमड़ा रहे हैं मुर्गों की तरह। तो भाई एक तो ये जैकेट आई है मेरे को पसंद, ये जैकेट जोन्स के शोरूम में उस टाइम में, ये रेड कलर की, और अंदर से भाई ये है देखने में ब्लैक, मेरे को तो काफ़ी अच्छी लगी है भाई। देखिए भाई इनके पास ये नीली और येलो कलर की है भाई, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। वैसे अभी इन रेड में से और इसमें से डिसाइड करना, और भाई काफ़ी गर्म भी है मतलब अंदर से, मैं अभी रेड और इसमें येलो वाली में से डिसाइड करना है कौन सी लेनी है भाई। और अंदर से भाई ये नीली है देखने में। जैकेट तो मेरे को दोनों पसंद आई, पर भी मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल लिया, देखते हैं येलो पे ज्यादा वोट आती है कि रेड वाली पे, जिस पे भी भाई ज्यादा वोट आएंगी वही ले लेंगे। भाई जो ज्यादा वोट आई है वो येलो वाली पे आई, पहले रेड वाली पे ज्यादा थी, मैं रेड वाली लेने लगा, फिर मैंने देखा भाई वोट ऊपर पहुंच चुकी है येलो की, तो भाई ये येलो वाली भी ले रहे हैं। मच पहले देन द रेड वन आई थिंक, या सी सेइंग एज वेल इट्स नाइस सो मे बी आई विल टेक दैट। और इसका जो मुझे भाई प्राइस पड़ा है वो पड़ा है भाई 40 यूरो। भाई अभी हम लोग जा रहे हैं जेडी के शोरूम में, यहाँ पे चेक करते हैं कुछ अच्छा सा मिल गया तो। भाई यहाँ पे जो मैं मेन आया था वो टोपी देखने के लिए आया था रेडर्स की, पर इनके पास जो मुझे चाहिए वो वाली नहीं थी अभी। भाई यहाँ से कुछ और चीज़ चेक करते हैं भाई, यहाँ पे घूमते घूमते मुझे ये पजामा भी पसंद आया भाई। वैसे पैंट कोट डालने का मुझे इतना शौक नहीं है, आज डाल दिया जैसे बाहर आया हूँ, वरना भाई ट्राउजर ही मुझे ज़्यादा पसंद है। तो ये वाला ट्राई करते हैं भाई, कैसा क्या लगता है देखने में, सही फिट आया एकदम ना। चलो भाई ये भी ले ही लेते हैं। अब जी जहाँ इतना खर्चा हो गया थोड़ा और सही,
भाई फाइनली मैंने वाला ट्राउजर ले लिया वहाँ से, ये रहा वो आया भाई आपका 30 यूरो का वहाँ से, और 40 यूरो की जैकेट आई थी, मतलब 40, 50, 60, 70 यूरो हो चुके हैं, अभी 30 यूरो और खर्च देते हैं कहीं पे, देखते हैं तो 100 यूरो पूरे ही कर लेते हैं भाई। पर भाई सबसे पहले तो मुझे जाना है मूत्र विसर्जन करने के लिए भाई, बहुत ही जोर से आया, बहुत ही असमज्य आनंद का एहसास हुआ बाथरूम जाने के बाद। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फुट लॉकर के शोरूम में, वहाँ से देखते हैं कुछ जाके और वहाँ भी कुछ मिल जाए तो 30 यूरो और खर्च कर लेते हैं भाई लगे आते। और ये भाई मेरे लेफ्ट में सुपर ड्राई का शोरूम है, यहाँ पे हम लोग नहीं जाएंगे भाई, क्योंकि भाई यहाँ पे जाऊँगा तो वहाँ पे भी एक दो अच्छी जैकेट दिख जाएगी, फिर कोई ना कोई लेनी पड़ जाएगी, तो वहाँ पे अभी हम नहीं जाएंगे। वैसे भाई आपको शॉपिंग सेंटर में सारी की सारी दुकानें मिल जाएंगी, आपको डीजल जैकेट जोन जो भी मतलब आपको लेना है सारे के सारे आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे भाई जो एक ये सीढ़ियाँ ये बड़ी खराब हो गई है लगता है, इसलिए बंद की हुई है चारों तरफ से ना कोई जा ना सके यहाँ पे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फुट लॉकर के शोरूम में, यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे आया था ये टोपी ट्राई करने के लिए, तो अरे तेरे नाम वाली हो गए भाई बाल। वैसे लगती है भी ठीक रही है यार, पर मुझे फ्लैट वाली चाहिए भाई, वो ज़्यादा अच्छी लगती है, जैसी है मेरे पास है पहले वाली। मेन रीज़न भाई मैं उसी को लेने आया था यहाँ पे, पर फ्लैट वाली इनके पास नहीं है भाई, सारी की सारी ऐसी ही हैं इनके पास, ये जो मुड़ी हुई बोलते हैं क्या कहते हैं इनको। जो भाई मेरा मेन रीज़न था जे डी स्टोर में जाने का, वहाँ से मुझे लेनी थी टोपी ये हिप हॉप स्टाइल ये वाली ना, पर उनके पास भाई सारी वो मुड़ी हुई थी आगे से ना, उनके पास ये वाली नहीं थी, तो फिलहाल भाई इसी टोपी पे काम चलाना पड़ेगा। किस दिन सिटी जाऊंगा वहाँ पे भाई इनकी काफ़ी बड़ी शॉप है, वहाँ से सारी की सारी जाती हैं। और अभी मैं आ गया हूँ भाई अपनी गाड़ी के पास, मेन चीज़ मेरे को चाहिए थी जैकेट चाहिए थी, सबसे मेन चीज़ जो थी वो मुझे मिल गई है, और भाई अच्छे वाली मिल गई है, आप लोगों ने दिलवाई अच्छी वाली, आप लोगों ने कलर चूज किया, जूस भी येलो है जैकेट भी येलो, वाह वाह क्या बात है। गाड़ी को भी भाई साफ करना आज नहीं करेंगे, पर अभी भी प्यास लगी है। गाड़ी में भाई मेरी गंदी आदत है, मैं जो भी कुछ खाता हूँ ना यहीं पे गिरा देता हूँ कागज वाला उनके ना। गाड़ी अच्छी हो तो बंदा कुछ सोचे भी भाई, गाड़ी जब ऐसी है क्या करें। साथ में पजामा भी अपना आ गया, ये भी ठीक आ गया, ये भी पहन लेंगे भैया। और भाई अभी मैं गया हूँ थक, अभी जो मेरा प्लान अभी मैं घर पे जाऊंगा, घर पे जाके भाई मैं भी आज जिम में जाऊंगा, और नहीं क्या पता भाई पक्का नहीं पता आज का, क्योंकि भाई आज मेरी छुट्टी है तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा रेस्ट हो जाए, जिम तो मैं जा ही रहा हूँ हफ्ते में 5-6 दिन, तो पता नहीं भाई मूड के ऊपर डिपेंड है, घर जाके देखता हूँ कितनी एनर्जी बचती है शरीर में, अगर एनर्जी रही तो भाई जिम में चला जाऊंगा, अगर नहीं एनर्जी रही तो भाई खाना खा के सो जाऊंगा, घर की बात है। यही थी आज की वीडियो, आई होप आप लोग इसकी वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना भाई, जल्दी जल्दी आप लोगों ने 1 लाख सब्सक्राइबर कराने, अपने भी जितने भी आपके यार दोस्त सबके साथ वीडियो शेयर किया करो भाई। तो गाइस थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।